नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। 1 लाख से ज़्यादा टीचर ने ले ली एक साथ छुट्टी, 54,000 स्कूल बंद, क्या है पूरा मामला? चलिए आपको बताते हैं, शिक्षा से जुड़ी हुई, एजुकेशन से जुड़ी हुई खास खबरों को आपको रूबरू कराते हैं, जहाँ शिक्षकों ने संविदा नियुक्ति प्रणाली को ख़त्म करने को और पुरानी पेंशन को फिर से लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन किया है। वहीं राज्य संचालित स्कूलों के लगभग 40 लाख छात्र अपने संस्थान से बाहर रहे हैं। उड़ीसा सरकार की हड़ताल वापस लेने की अपील के बावजूद भी शिक्षकों ने अपना आंदोलन जारी रखा। यानी अगर शिक्षक आंदोलन पर चले जाते हैं तो इसका सीधा तौर पर असर जो होता है वो स्कूली बच्चों पर पड़ता है। बच्चे जो हैं वो पढ़ते नहीं हैं और फिर इसके बाद पढ़ाई पूरी तरीके से बाधित होती है। उड़ीसा में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले 40 लाख बच्चे परेशान हैं। यानी उड़ीसा की अगर बात करें तो आपकी जगह 40,000 बच्चे परेशान हैं, क्योंकि शिक्षा में जो है वो छात्र जो है वो पढ़ने आते हैं, और स्कूली टीचर जब पढ़ाने वाला ही कोई नहीं होगा तो बच्चे परेशान होंगे, क्योंकि उनकी पढ़ाई 5 दिन से रुकी हुई है। वजह यह है कि सभी प्राइमरी स्कूल में 1,30,000 शिक्षकों ने सामूहिक अवकाश लिया है, और इसमें राज्य में कुल 54,000 स्कूल बंद हैं। इन सरकारी स्कूलों के प्राथमिक शिक्षकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल गुरुवार को 7वें दिन भी जारी रही। दरअसल ये शिक्षक की अगर बात करें तो संविदा नियुक्ति प्रणाली को ख़त्म करने और पुरानी पेंशन को फिर से लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं राज्य संचालित स्कूलों ने लगभग 40 लाख छात्रों की अगर बात करें तो वो बहुत ही परेशान बताए जा रहे हैं। उड़ीसा सरकार की हड़ताल वापस लेने की अपील के बावजूद भी शिक्षक लगातार आंदोलन जारी रखे हुए हैं। यूनाइटेड प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन के बैनर तले शिक्षकों ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए पिछले शुक्रवार को धरना शुरू किया है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से टीचर्स लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो धरना कब ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसका सीधे तौर पर सरोकार जो होता है वो बच्चों से जुड़ा हुआ होता है और बच्चे की पढ़ाई बाधित हो रही है, जिसकी वजह से माता पिता भी परेशान है। अब देखने वाली बात होती है कि सरकार और शिक्षक के बीच में कब तालमेल जो है वो बनता है और इसके बाद स्कूल में फिर से वापसी करते हैं टीचर, सरकार उनकी बात मानती है, तब जाकर चीज़ें स्मूथ होंगी।